एसडीएम दीपाली भार्गव ने 5 करोड़ से ज्यादा की बेसकीमती जमीन कराई कब्जा मुक्त। पुखराया नगर पालिका के वर्तमान बीजेपी चेयरमैन सत्य प्रकाश संखवार करे था सरकारी जमीन पर कब्जा। सत्तारूढ़ पार्टी का चेयरमैन होने के चलते कोई भी अधिकारी नहीं कर रहा था कार्यवाही। बीजेपी चेयरमैन का तामझाम ताक पर रखकर एसडीएम दीपाली भार्गव ने सरकारी जमीन कराई खाली। भोगनीपुर तहसील के पुखराया नगर पालिका का मामला। मैम आज आपकी तरफ से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? इस जमीन के संबंध में अवैध कब्जेदार श्री सत्य प्रकाश शंखवार जी सना फुलारी लाल जी की 2 नवंबर 2020 को कोर्ट में बेदखली की थी और शासन के लगातार निर्देशों और हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में आज यहाँ पर मौके पर बेदखली की जा रही है। जुर्माना भी आरोपित किया गया है जो कि 8 अगस्त तक उसकी क्षतिपूर्ति को लेकर हम लोग कार्रवाई संपन्न करेंगे। अच्छा, करीब कितना जुर्माना इसमें लगाया गया था? लगभग 25 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। 5 बिस्वा ये जमीन है, मौके पर करोड़ों की कीमत की जमीन बताई जा रही है और आज राज्य सरकार की भूमि पर कब्जा पुनः प्राप्त कर लिया गया। चेयरमैन के द्वारा अवैध कब्जा जो किए थे उसको ढाया गया है, क्या कहना है आपका? हमको ये कहना है चेयरमैन सत्य प्रकाश संखवार द्वारा 48 स्थानों से लगभग 5 विस्वा जमीन जिनसे निर्माण कर कब्जा किया गया था और वहीं पर उन्होंने अपना अवैध बोर्ड बनवाया जिसके कारण उन्होंने नगर पालिका चुनाव जीते। इसकी मैंने रिट दायर की, याचिका एक दायर की थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट से आदेश हुआ था डीएम को जांच के लिए। डीएम महोदय ने जांच की, जांच में पाया गया कि यह कब्जा सत्य प्रकाश का ही है। उसके बाद पूर्व स्थानीय प्रशासन द्वारा हिलावाली के कारण 1-1.5 साल लेट हो गया, नहीं 1.5 साल पहले ढाया जा सकता था। उन पर जुर्माना किया गया 25,40,160 रुपये का, वो जुर्माना तक नहीं जमा कराया गया पूर्व प्रशासन द्वारा। पूर्व में जो स्थानीय प्रशासन यहाँ पर पूर्व में SDM महोदय थे, उन्होंने बहुत ही हिलावाली की, उन्होंने ना पैसा जमा करा पाया और ना ही उन्होंने कब्जा ध्वस्त करा पाया। अच्छा, ये कब्जा कब से किए थे? ये कब्जा 48 वर्ष हो गए इनको, 1977 से कब्जा किए हुए थे। अच्छा, वो जगह जो कब्जा किए थे वो जगह किसकी थी? नगर पालिका की, वो सरकारी जमीन है, कार्टन नंबर 524 है। अच्छा, आपने शिकायत दर्ज करने के बाद आपको कितने दिन बाद सफलता मिल पाई? मैंने 2018 में याचिका दायर की थी, अभी 2.5 साल हो गए, 3 साल चल रही है। अच्छा, आज जो उनका अवैध कब्जा किए थे चेयरमैन के द्वारा उनको ढा दिया गया है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हमें न्याय मिला। हमने अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी है तो लड़ाई में सत्य की जीत हुई है।